गाइस, आप देख रहे हैं प्रीति नायक चैनल और मैं और ताशु जा रहे हैं फ्लोरिडा और हम दोनों अकेले जा रहे हैं, है ना ताशु, अपन अकेले जा रहे हैं ना। हाँ, हम लोग अकेले जा रहे हैं। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है मैं ताशु के साथ अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, तो थोड़ा सा डर लग रहा है। सामान सारा पैक्ड है, गैस सारा बंद, सब बंद, घर लॉक करके निकलते हैं। तो अभी मैं कैब का वेट कर रही हूँ, कैब का नहीं एक्चुअली, कैब बोल रही हूँ। विजित के एक फ्रेंड है, वो हमको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है मैं अकेले जा रही हूँ ताशु के साथ। वो हमें एयरपोर्ट तक थोड़ा छोड़ देंगे और बस मैं उनका वेट कर रही हूँ, क्योंकि वो विजित की एक मीटिंग थी इसके लिए वो गए थे और अब हम उनको ज्वाइन करेंगे। तो अभी मैं उनके फ्रेंड का वेट कर रही हूँ। एक्चुअली वो 5:30 को ही आएंगे और अभी 5:10 हुआ है, मैं थोड़ा जल्दी आ गई क्योंकि ताशु थोड़ा बाहर घूम लेगी, थोड़ा खुश रहेगी, तो मेरे को थोड़ा कम परेशान करेगी एयरपोर्ट में, ऐसा मुझे लगता है इसलिए। और मैं दिखाती हूँ वो कहाँ है अभी। पिंपल ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? तो मेरे को पिंपल आ गया था और वो अभी भी है। हाँ, मैं पक्का बोल रही हूँ, जब मैं ट्रिप करके वापस आ जाऊँगी ना तो वो पिंपल चला जाएगा, अभी वो रहेगा। तो अभी हम बस उनका वेट कर रहे हैं, तो बस मैं ताशु को इधर उधर घुमा रही हूँ जिससे वो थोड़ा खुश रहे। तो अभी मैं फ़्लाइट में बैठ चुकी हूँ, सारा चेक इन करके मेरे को टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि मैं आपको बताऊँगी आगे क्या हुआ था, बहुत बड़ी कहानी है, वो मैं होटल पहुँच के आपको बताऊँगी। तो अभी मैंने ताशु को आराम से बिठा दिया, आईपैड दे के बिठा दिया है कि वो शांत रहे, और ये नीचे मैंने बैग रखा है जिसमें पूरा ताशु का सामान है, और ये मेरा स्नैक्स बॉक्स है जो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई। तो इस स्नैक्स बॉक्स में ना मैं ऐसे थोड़े फ्राइम्स और डोरिटोस लेके आई थी, कॉर्न के चिप्स जो होते हैं वो, और ये फॉइल में जो है मैंने एक पराठा लेके आई थी और थोड़े गमी बेज है, और मैं स्वीट कॉर्न उबाल के जो है वो लेके आई थी। तो फाइनली हम एयरपोर्ट आ गए हैं और मैंने मेरी जंक जीत ली है ताशु के साथ अकेले आने की। मेरे को इतना टेंशन था मगर ताशु ने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया, बहुत अच्छे से बैठी, थोड़ी देर आईपैड में देखा, फिर वो अपने कलरिंग वलरिंग का जो मैं लेके आई थी उसके साथ करने लगी। और विजित हमें लेने आए थे तो हम वापस जा रहे हैं और बहुत रात हो गई है, तो बस धीरे धीरे आज का दिन पूरा निकल गया ऐसा लग रहा है। और जो गाड़ी, जो कैब विजित ने बुक की थी, जो आई थी वो थी टेस्ला, और मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि टेस्ला में बैठे थे और टेस्ला आपको जैसे पता है फुल ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो ये इतना बड़ा बोर्ड था जिसमें वो बता रही थी कौन सी गाड़ी आ रही है बगल से ऐसा सब, तो मैंने सोचा थोड़ा सा कैप्चर कर लेती हूँ। और अभी रात के 11 बज रहे हैं, बस जाके मुझे अच्छा सा कुछ खाना है और सोना है। तो रूम पहुँच गए तो मैंने सोचा एक शॉर्ट टूर आपको दे देते हैं, इसमें अटैच किचन वाला रूम है ये, और हम बिल्कुल बीच के पास, बीच में ही है ये होटल, वहाँ पे हम ठहरे हुए हैं और मेरे रूम से बीच दिखता है जो मैं कल आपको बहुत अच्छे से दिखाऊंगी। तो वैसे मैं आपको ये रूम दिखा देती हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा मिनी किचन बना था जहाँ पे आपको सारी चीज़ें उनने दी थी, वो भी मैं आपको कल आराम से पूरा डिटेल में दिखाऊंगी, वैसे छोटा मोटा दिखा देती हूँ ऐसा। तो मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे इतनी नींद आ रही है, हम लोग 5 बजे निकले थे घर से और अभी 11:30 बज रहे हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है, मगर मुझे अभी खाना खाना है, मुझे एक बार फ्रेश होना है, तो मैं अभी बस थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ जब तक खाना गर्म हो रहा है, फिर मैं खाऊँगी। मेरे को तो ऐसी नींद आ रही है। तो ऐसे हम फ्लोरिडा पहुँच गए। मैं जब, पता है मेरे साथ इतना बुरा हुआ, मैं मतलब बुरा इन द सेंस कुछ गलत नहीं हुआ, मेरी ही गलती थी, मैंने आईपैड जो है मेरे बैग में डाला हुआ था, तो उनने मुझसे बहुत अच्छे से पूछा था क्योंकि ताशु तब तक सो गई थी, वो मेरे गोद में सो चुकी थी, तो उनने मुझसे पूछा कि क्या आपका इस बैग में आईपैड कुछ है तो आप बाहर निकाल दो, तो मगर मैं इतनी उसमें थी, मेरे को कंधे पे बैग है, ये है वो है, तो मैंने बोला नहीं नहीं आईपैड नहीं है, बस बच्चे की बॉटल है, दूध है, ये है, और वो सिक्योरिटी चेक इन के लिए चला गया।
और वो मेरा बैग उन्होंने साइड में हटा दिया फिर, और 6:30 को मेरा बोर्डिंग स्टार्ट हो रहा था और मैं 6:29 को वहाँ पे खड़ी हुई थी और मैंने उनसे बोला मैम मेरा बोर्डिंग स्टार्ट होने वाला है, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो उन्होंने बोला नहीं नो, आपने आईपैड इसमें रखा था इस कारण ऐसा हो गया, और उन्होंने मुझे वापस मेरे बैग को वापस भेजा और वापस वो चेक करके आया। तो वो एक उस कारण मुझे इतना ज़्यादा टेंशन हो गया कि मुझे एकदम से ऐसा लगा कि मेरी फ़्लाइट छूटने वाली, क्योंकि एक बार मेरे साथ फ़्लाइट छूटने का हो चुका है तो मुझे ना वो आज भी वैसा लगता है अरे मेरी फ़्लाइट छूट जाएगी, मेरी फ़्लाइट छूट जाएगी, मुझे डर लगने लगता है। तो मगर वो सब हो गया, मैंने फटाक से अपने, और यहाँ पे जूते भी उतरवाते हैं तो मैंने जूते पहने भी नहीं, बस ऐसे ऐसे डाला, अपने अपने पैर डाले उसमें, पूरा अच्छे से पहना भी नहीं। आईपैड और मेरे हाथ, मेरे पास दो फ़ोन थे, दो फ़ोन और ताशु और सारे बैग लेके मैं अपने गेट के पास ऐसे सुपर वुमेन की तरह छिरी छिरी करके गई। तब तक रास्ते में एक बार ताशु उठ गई और वो उसको एकदम से लगा कि कहाँ आ गई है, तो वो थोड़ा सा रोई, थोड़ा सा हुई, तब तक मैंने उसको शांत किया और गेट बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी। फाइनली मैं सही टाइम पे पहुँची थी, मेरा जोन 4 था, मतलब एक एक नंबर्स को भेजा जाता है, तो मेरा लास्ट था। मगर मेरे पास बच्चा होने के कारण उन्होंने मुझे बोला कि आप प्लीज़ पहले जाइए, तो मैं ईजिली अंदर चली गई और आराम से बैठी। ताशु ने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, टच वुड, भगवान की कृपा और सबकी दुआ, मेरे घर वालों की दुआ और सबकी दुआ के कारण वो बिल्कुल मुझे उसने परेशान नहीं किया और मैं आराम से यहाँ आ गई। तो ये आ गया है खाना, खाना मैं इंजॉय करती हूँ, फिर आराम से सोती हूँ और मिलती हूँ आपसे कल, दिखाती हूँ फ्लोरिडा अपनी नज़रों से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल, बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वो बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिएगा। बाय बाय।